जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से आई हुई एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 मार्च के बाद से ही दोस्तों इंडियन आर्मी में ओपन रैली भर्ती कहीं पर भी पूरे इंडिया में नहीं हुई है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से आपके लिए खुशखबरी बहुत बड़ी है जो है वो निकल कर आ चुकी है, और ये जो खुशखबरी है दोस्तों आपकी रैली से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पर हम इस समय विजिट कर रहे हैं, इस पर रैली की नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। अभी इंडियन आर्मी ने केवल एक स्टेट की जो है वो रैली की नोटिफिकेशन जारी की है, जो कि 1 सितंबर से 18 सितंबर 2022 के बीच में होनी है। ये कौन सा स्टेट है और इस स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की भर्ती की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो फेक है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि मैं आर्मी में हूं और मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर आएंगे देखेंगे JCOs/OR Entry, तो ये बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अगर यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है तो सर आप कैसे बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कहाँ जाना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइए, और उसके बाद में आप कहाँ जाना है मैं आपको बताऊँगा। नेट थोड़ा स्लो है तो वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोडिंग होने में, ठीक है। तो तब तक आप वेट कीजिए। और आपकी रही अगर रिटर्न एग्जाम की बात, तो दोस्तों आपकी भर्ती से पहले मुझे उम्मीद है कि रिटर्न एग्जाम भी आपका करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे ये खुलेगा वैसे मैं आपको दिखाऊंगा, और इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा कि आपकी जो है वो वैकेंसी कब निकलेगी, और अभी जो इंडियन आर्मी ने वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की है वो कौन से स्टेट की है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आप सभी अगर देखेंगे तो ये रैली प्रोग्राम करके एक ऑप्शन आता है, और रैली प्रोग्राम करके ऑप्शन आएगा तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो भर्ती जो है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ किस स्टेट के लिए निकली हुई है। तो रैली प्रोग्राम पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारे सामने क्या है कि इस तरह से एक पेज खुल के आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों, अगर आपको भर्ती चेक करनी है तो आप यहाँ पर अपने स्टेट का नाम दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम देखकर, और यहाँ पर आप सर्च पे बटन पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। आपके स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी भर्ती का प्रोग्राम होगा वो आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे चलिए हम चलते हैं अभी उत्तर प्रदेश में। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च नहीं भी करना है तब भी आप यहाँ पर स्टेट का नाम सर्च करके सर्च बटन को दबा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी भर्तियां होंगी वो पूरी की पूरी यहां पर आ जाएंगी। तो चलिए हम चेक करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए अभी भर्ती का प्रोग्राम आर्मी की तरफ से दिया गया है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं दिया गया होगा तो मैं आपको उस स्टेट का नाम डायरेक्ट दिखाऊंगा इसके बाद में, जिसकी ये नोटिफिकेशन निकल चुकी है और जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर लोडिंग इन प्रोग्रेस है, नेट थोड़ा स्लो है इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो तब तक आप वेट कर लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए भर्ती का कोई भी प्रोग्राम इस समय नहीं आया हुआ है। ये तो केवल एग्जाम्पल था। अब मैं चलता हूं उस स्टेट के नाम पर जहां पर दोस्तों ये भर्ती का प्रोग्राम इंडियन आर्मी ने दे दिया है, और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने ऑफिशियल वेबसाइट पर करके दिखा रहा हूं, यहां पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाइए अब वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। अगर दोस्तों आप वेस्ट बंगाल पर क्लिक करेंगे और सर्च के बटन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से जिस भर्ती की मैं बात कर रहा था वो भर्ती यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, ठीक है। चलिए अभी ये लोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने लोडिंग हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वेबसाइट थोड़ी स्लो भी चलती है आर्मी की, ठीक है। ये देखिए ये लोड हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने वेस्ट बंगाल डाल के सर्च किया था, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं रिजल्ट 1, जबकि हमने उत्तर प्रदेश की भर्ती का डाला था तो कुछ भी नहीं आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्टेट नेम है वेस्ट बंगाल, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होनी है तो वो है दोस्तों परगनास नॉर्थ, उसके बाद में है बंकुरा, उसके बाद में हुगली और परुलिया, मतलब ये 4 डिस्ट्रिक्ट की जो है वो भर्ती निकलेगी।
डेट भी आप देख लीजिए बिल्कुल, 1 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 के बीच में जो है वो दोस्तों भर्ती की डेट यहाँ पर दी गई है। और अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो आपसे फिलअप करा ली थी, तो 8 सितंबर 2021 से 21 अगस्त 2021 के बीच में जो एप्लीकेशन आप लोगों ने फिलअप की थी वही एप्लीकेशन इसमें मान्य होंगी और उसी के आधार पर आपके लिए दोस्तों जो भर्ती में बुलाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड की भर्ती है। तो दोस्तों देख सकते हैं सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर एसटीडी बोलते हैं दोस्तों, सोल्जर एनए वेट के लिए और एसटीए, एक सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सोल्जर एसजीडी है, सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, एसटीडी है, सोल्जर टेक्निकल क्लर्क है, सोल्जर क्लर्क, एसएनए है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, एसटीडी है दोस्तों एनी वेट और एसटीए है सोल्जर टेक्निकल एमनिशन, ठीक है। तो इन पदों पे भर्ती निकलनी है। वेन्यू ऑफ रैली है दोस्तों आरसीटीसी ग्राउंड बैरकपुर कैंट। तो बैरकपुर कैंट में दोस्तों आरसीटीसी ग्राउंड में ये भर्ती निकलेगी। एप्लीकेशन ऑलरेडी 8 सितंबर 2021 से 21 अगस्त 2021 की, और आपकी जो रैली की डेट है दोस्तों जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, तो 1 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई शक है कि मैंने इसमें कुछ हेर फेर किया है आपके साथ में, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो सही है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हमने जैसे ही दोस्तों यहाँ वेस्ट बंगाल लिख के सर्च किया था, तो आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड्स फाउंड 1 यहाँ पर साफ साफ बिल्कुल दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे ये नोटिफिकेशन और ये जो खबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपके पहुँच सके। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।